आर्ट एंड क्राफ्ट, कैसे आप फ्रेंड्स? आज देखिए हमने क्या बनाया है। हमने बनाया है मिट्टी की दूध की केटल्स। ये देखिए केटली खुल भी जाती है, इसका ढक्कन खोल दिया हमने और फिर इसको हमने इस तरह से फिक्स कर दिया। इसी तरह से हमने गोल वाली बनाई है, गोल वाली भी केटल होती है। ये देखिए इसका भी ढक्कन खुल गया और फिक्स हो गया। तो चलिए दूध लेने चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं मिट्टी की केटल। उसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे। हम ये मिट्टी से क्ले बनाने वाले वीडियो से आप देख सकते हैं कैसे बनाई है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इससे हम जब खिलौने बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले मिट्टी लेंगे और उसको इस तरह से राउंड राउंड दोनों हाथों से हथौलियों से घुमाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से लंबाई में घुमाएंगे। हम रोल बना देंगे इसका इस तरह से। देखिए प्लेन हो गया और इस तरह से इसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद हम बीच में इसके इस तरह से रोल करने के बाद हम पेंसिल से इसमें बीच में होल करेंगे, ये गहराई बनाएंगे इस तरह से, और फिर आप इसे फिर से रोल कर लीजिए। और अब हम इसको इस तरह से उंगली से दबाएंगे, ऊपर की साइड से थोड़ा सा पतला करते जाएंगे। इस तरह से आप उंगली लेके और कर लीजिए। इसका ऊपर का मुंह बनाना है क्योंकि हमें। ये बहुत ही आसान है, आप घर पर आराम से बना सकते हैं इसे, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। ये अब ये बनने के बाद आप देखिए पूरी इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये साइड की है उसे हम उंगली से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। आपने केटली देखी होगी, उसमें इस तरह का शेप बना रहता है, उस वही शेप हम दे रहे हैं इसमें। इस तरह से दबा दीजिए हल्के हाथ से, और उसके बाद आप इसको पानी से प्लेन कर लीजिए। जब ये शेप आ जाएगा ना आपका केटली का, तो आप उसको पानी की सहायता से साइड के कॉर्नर प्लेन कर लीजिएगा इस तरह से। और ये इस तरह से आप शेप दे दीजिए केटली के मुंह का। पानी की सहायता से आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये किनारे बन गए हैं इसके अच्छे से, और उसको अच्छे से प्लेन कर लीजिए और केटली को फिर से रोल कर लीजिए, क्योंकि छेद करने से थोड़ा रोल अप सही ख़राब हो जाता है। तो आप इसको फिर से रोल करके और पानी से बिल्कुल प्लेन करके अच्छे से तैयार कर लीजिए इसे। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब हम केटली का ढक्कन बनाएंगे। उसके लिए हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसे इस तरह से रोल रोल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, और इस तरह से इसे प्रेस कर लीजिए।
और साइड साइड से छोटा छोटा किनोरे बना दीजिए उसमें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये राउंड करके आप उसका ढक्कन बना सकते हैं इस तरह से। और अब हम इस ढक्कन पे छोटी सी मिट्टी का ढक्कन का हैंडल लगाएंगे। आप ये ढक्कन इस पे रख के देख सकते हैं, अगर ये छोटा बड़ा हो तो आप इसको थोड़ा सा इस चीज़ को प्रेस कर लीजिए ताकि इसमें फिक्स हो सके। तो वह अपने हिसाब से, आप मिट्टी है तो आप आराम से कर सकते हैं ताकि एक्यूरेट वही इसमें फिक्स हो जाए ये ढक्कन। देखिए फिक्स हो रहा है अच्छे से, और अगर नहीं होता है तो आप इससे इसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करके थोड़ा फैला सकते हैं, है ना। अब हम इस पे छोटा सा ये ढक्कन का बनाएंगे उठाने का इस तरह से, ऐसे त्रिकोण पहाड़ के जैसा बना देना है। और पानी लेके आप पानी की बूंद गिरा दीजिए उसमें और उसे आसानी से इस तरह से चिपका दीजिए। वो दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। ये हो गया इसका ढक्कन। इसी तरह से हम इसको यहाँ सूखने के लिए रख दे रहे हैं। अब हम एक छोटी सी तार लेंगे। इस तार को हम पतली सी, आप कोई भी आपके घर में अवेलेबल हो जो भी तार वो आप ले लीजिए, या तो फिर आप ऐसा कीजिए जो वायर होती है अपने पास घर पर जो अवेलेबल होती है उसकी आप वो इस ऊपर की स्किन हटा दीजिए पूरी, और स्किन हटाने के बाद अंदर का वायर जो होता है तार वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है ऐसी तार कहीं पर, फिर आप इससे क्या कीजिए, जैसे आपने बाल्टी में किया था, बाल्टी वाला वीडियो आपने देखा ही होगा, उसी तरह से इसको इस तरह से पहले राउंड करके यू शेप में करके और फिर इस तरह से मोड़ लीजिए। इसको दबा दबा के, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है तार, तो ये जिस तरह से आप मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी। और इसको आप फिक्स कर दीजिए बिल्कुल इस तरह से। ये बिल्कुल एकदम तैयार है। अब हम थोड़ी मिट्टी और लेंगे, छोटे छोटे से दो चौकोर बनाएंगे, गोल भी बना सकते हैं जैसे आपको समझ में आए, चौकोर बनाएं या गोल बनाइए आपकी मर्जी है। जो छोटे छोटे से दो चौकोर बनाएंगे इस तरह से, एक और बना लीजिए। और अब इसे हम इसमें फिक्स कर देंगे दोनों साइड से। और इसे फिक्स करने के बाद हम इस केटल में इन तारों को फिक्स कर देंगे इस तरह से, और हल्के हाथ से अब इसे दबा दीजिए। और फिर थोड़ा सा पानी लेके आप उसको अच्छे से चिपका दीजिए ताकि ये फिर खुले नहीं और इसका हैंडल बिल्कुल मजबूत हो जाए। इस तरह से चिपक जाने के बाद और ये इसकी इसका ढक्कन है, ये अभी चिपका नहीं है क्योंकि अभी गीला है। सूखने के बाद ये थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, सूखने के बाद ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसको आप इसे रखिए, देखिए मैंने चटनी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम राउंड शेप वाली बनाएंगे, उसके लिए भी ये भी वैसे ही प्रोसेस है पूरा। इसको सूखने के लिए रख दीजिए। अब इसे आप राउंड राउंड गोल गोल इस तरह से करेंगे, उसके बाद ये गोल राउंड शेप हो जाएगा। थोड़ा सा आप उंगली से इस तरह से प्रेस कीजिए। अब ये पेंसिल लीजिए और बीच में इसके छेद कर लीजिए।
और फिर इसे राउंडली को आप राउंड राउंड कर लीजिए और आगे का जो पोर्शन है उसको पतला कर लीजिए। पीछे का तो राउंड ही है। इस तरह से जैसे हमने पहले वाले केटली में किया था उसी तरह से कर लीजिए। इसका पहले मुंह बना लीजिए। नीचे का पोर्शन मटके जैसा होगा और ऊपर का पोर्शन पतला। अब हम उसी तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे जो हमने पहले शेप दिया था। और इस तरह का शेप देने के बाद आप उसे पानी से राउंड शेप दे दीजिए। उस तरह से रोल कर लीजिए और इस शेप को फिर से सही करने के लिए पेंसिल की सहायता ले लीजिए। उसे अंदर से राउंड शेप दे लीजिए। सिंपल प्रोसेस है वही वाला जो हमने पहले वाली केटली बनाई है सेम वैसे ही। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इस तरह से टूट भी जाता है तो आप पानी की सहायता से फिर से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी है। मिट्टी में कभी भी क्रेक आ जाए तो आप उसे पानी से बिल्कुल प्लेन कर सकते हैं और फिर से वो अपना वही शेप ले लेती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सूखने के बाद तो बिल्कुल, ये ठोस होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं टूटती है। एक बार अगर ये सूख जाती है ना, उसके बाद तो आप जो शेप आपने इसको दिया हुआ होता है ये उसी शेप में बनी रहती है। हाँ, बाकी मिट्टी है, अगर आप फेंकोगे इधर उधर गिराओगे तो टूट सकती है। ये सिर्फ सजावट के लिए है या इससे बच्चे खेल सकते हैं। अब ये शेप बनने के बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने इसे केटली का ढक्कन और जैसा बनाया था, उसी तरह से इसका भी केटली का ढक्कन और बना के उसको तैयार कर देना है। और इसको तैयार करने के बाद हम फिर से वही 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे रखने के बाद ये बिल्कुल ही ठोस हो जाएंगे। ठोस होने के बाद हम इस पर कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद ये और भी सुंदर दिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये केटली सूख के बिल्कुल तैयार हो गई है। सूखने के बाद ये बिल्कुल ठोस हो गई है, ये बिल्कुल मजबूत हो गई है। अब हम इस पर कलर करेंगे और कलर करने के बाद ये और भी सुंदर दिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर कलर करते हैं। हम इस पर येलो कलर करते हैं। आप अपना कोई भी मनपसंद कलर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप कलर कर सकते हैं इस पर। अगर येलो कलर थोड़ा लाइट लग रहा है तो मैं इस पर पहले वाइट करके और फिर येलो करती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर हम वाइट करके फिर येलो करेंगे तो शायद इसका थोड़ा कलर डार्क आएगा, क्योंकि मिट्टी क्या कलर सोख लेती है। तो हम पहले इसे वाइट कर देते हैं। अच्छे से कलर कर लीजिए। कलर करने में बहुत ही मज़ा आता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कलर करना। और जब हम खासकर ये मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और ये जब सूख के तैयार हो जाते हैं ना, और उसके बाद हम जब इस पर कलर करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे मनपसंद कलर जो भी हैं हम इस पर उतर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको हमारे नए नए वीडियो बहुत ही जल्दी मिलेंगे और सबसे पहले मिलेंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर हमें कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनके आंसर ज़रूर देंगे आपको। और रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये केटल्स बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कलर करने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है।
फ्रेंड्स आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हम इसका ढक्कन भी खोल दीजिए और हम इसे उठाकर भी ले जा सकते हैं और हम इन केटलीस में अपना दूध भी सेव कर सकते हैं। दूध वाले भैया चलो हमें दूध दे दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आगे भी आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।